हेलो सरवा है, अगर हमारे काम में डिस्टर्ब किया ना तो महतारी की दूध की कसम बेसले काट कर फेंक दूंगा ना। ओ माय गॉड, हराम खोला पता। जब हम कहीं से घूम टहल कर अपने हवेली पे आता हो, दादो साले हमारे यहां नौकर हैं, लेकिन साले दोनों गैर हाजिर रहते हैं। आज मैं यहां थोड़ी देर बैठकर इंतजार करता हूं और मैं देखता हूं हराम खोर कब आते हैं, और मैं ये भी देखूंगा कौन ससुरा ड्यूटी करके पगा ले रहा है और कौन साला सोकर पगा ले रहा है। तोहरे सबे के वजह से लागत है आज हम बचम ना पक्का है पिलाई जाब, आज हम मर जाब, मेरा रू हमारे राड हो जाई, नान नान लड़कियन विधवा पेंशन लागू कराई ली। लेकिन आज अगर हम मर गए तो तू सबे मंगर के दिन पूरी कचौड़ी खाई लहा, ई समझे कि छोटू तेरे ही खाते ही। सिदारे हिंद का रुतबा है सरकार को आला, हमेशा खुश नजर बख्शे मेहरबानी का हक ताला। ये ना चीज गुलाम वफादारी का सबक सीखा है, और ये हाथ है जो आपका नमक खाया है। क्या हुमक है सारे का, साला क्या हुमक है? कभी साले हुकुम कहा जाता है को हुम को हुकुमर है? क्या हुक्म है खजूर जी? तो, अबे खजूर साले, अबे हजूर कहा जाता है। हाँ बाबू सारे चुप साले नहीं तो, अबे चुप। एक गोली साले मुंह में चपाई दूंगा ना तो लागे कम पीछे बहुत बड़ा होल हो जाएगा। यानी सीने मारोगे तो पीठ पर, यानी पीछे भी होल होगा। का कहावा जाता ए बतावे बाबू सारे चुप। बाबू साहब, हाँ बाबू साहब, बाबू बेटा, तुम हमारे पुराने वफादार नौकर हो जी भैया, इसलिए साला मैं तेरे हर गलतियों पे ध्यान नहीं देता हूँ। वफादार कुत्ता हूँ, वफादार कुत्ता नौकर। हाँ कुत्ते की बराबर। हाँ हाँ समझ रहा हूँ, नौकर कुत्ता होता ही। हाँ, है कमीना कुत्ता हूँ। जब साले है भाई बाबू साहब, तुम हमारे पुराने वफादार नौकर हो जी बाबू, इसलिए साले मैं तेरे हर गलतियों पे ध्यान नहीं देता हूँ। अगर साले सैतानी खोपड़ी घसक गई ना तो साले यही पर उठा कर पटक दूंगा और एंड बैंड सैंड कर। क्या अबे डर गया? जो डर गया समझो ससुरा मर गया। डरने की कोई बात नहीं है जी बाबू साहब, ये बता रहे सबसे पहले यहां किसे आना चाहिए? सबसे पहले बाबू साहब हमें आना चाहिए, तुम्हें आना चाहिए जी बाबू साहब। तो ये बता सारा क्यों लेट हो गया आप, क्या बात है बाबू साहब? आप पहले आईठाए चुप साले नहीं तो, अबे आईठा क्या है? अबे कुसुलिया पे। अबे कुसुलिया नहीं सारे, कुर्सी कहा जाता है। हाँ। चेयर कहा जाता है। यही चाइनिया में बैठ जा। अरे सारे
चाइनी नहीं बे चेयर चेयर माने कुर्सी हाँ चेयर मैं यहाँ बैठ जाऊँ आप सिट डाउन ओ सिट डाउन हो साला पढ़ा लिखा नौकर है डोंट टच माय घिचिर घिचिर अबे डोंट टच माय घिचिर पिचिर क्या है साले घिचिर 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 क्या है बे कौन से क्लास में पढ़ा था बे कौन से क्लास में पढ़ा था बे कौन सी क्लास में आड़ी बाड़ी में आड़ी अबे साले ये आड़ी बाड़ी का स्कूल कहाँ पर है ये छोटा स्कूल होता है बाबू साहब छोटा होता है जब मैं छोटा सा था तब आड़ी बाड़ी पढ़ा था मैं अच्छा चल ठीक है बता क्यों लेट हो गया क्या बात है बैठे आप बाबू साहब मजबूरी आप सुन लीजिएगा उसके बाद गोली मार दीजिए मुझे कोई परवाह नहीं है बाबू साहब हमारे घर में एक जान चला गया बाबू साहब बहुत अनमोल जान गई बाबू साहब ये हमारा छाता छल्ली छल्ली हो गया चुप साले नहीं तो अबे छाता नहीं रे छाती साले छाती छल्ली छल्ली हो गया बाबू साहब बहुत अफसोस की बात है बाबू साहब हमारे घर में के कई जान के आप जाने चाहता है ठीक है अच्छा बता बाबू साहब एक की हम कुतिया पाले रहे छोड़ के कुतिया पाले रहे ठंडी के महीने रहनो का अपने घरे ओलारत रहे अपने बिस्तरे पे ओलारत रहे कबो कदार होके मोके में काम देत रही होके मोके में काम देत रही बाबू साहब अच्छा ये बता होके मोके वो कौन सी ऐसा काम था जो दे रही थी बे परसों चोर आवत रहन बहुत भौंकत रही ओ सही कहा सही कहा वो काम देत रहे हाँ। सारा हिलना डुलना बंद कर साले भौंकत रही ना ओ भूख रही थी हाँ ठीक है बता हम कहे वफादार कुतिया है हमारी कुतिया सयानी हो गई बाबू साहब सयान हो गई बाबू साहब जब सयानी हो गई ते कुत्ते से प्यार हो गया प्यार होने के बाद दो बच्चे की माँ हो गई दो कुत्ते पैदा हो गए दोनों कुत्ते पैदा हो गए कुत्ते का नाम धराया बाबू साहब हमारे दिल में रहमान था हमारे दिल में रहमान था बाबू साहब अरमान था बाबू साहब कि दोनों कुत्ते को नाम धराऊंगे एक का नाम धराया सापुन एक का नाम धराया आपुन सापुन मर गए रोवते भरे ही बाबू साहब कि जब सापुन मर गए तो हमरे पिलैक दूध के पी हमरे पिलैक दूध के पी अबे साले तो इसमें रोने की क्या बात है बे अरे मोसिया रवारे इसमें रोने की क्या बात है कौन पिएगा हमारे कुतिये के पास दो बच्चे सापुन मर गया हमारे पिले दूध के पी अबे साले घबराने की कोई बात नहीं है आपुन को पिएगा बे आपुन पिएगा कहाँ जा रहा है बे कहाँ जा रहा है हम नौकरी ना कर क्यों बे कौनो सवाल ही नहीं है क्यों गांव अगर जाऊंगा तो हमारे गांव के लोग हमारे मुंह पर खेखार के थूकेंगे क्या कहे यही कहेंगे बदतमीज नलायक
कुत्ते की औलाद, गंदी नाली के कीड़े, सुअर के बच्चे, हमका कहीं है बाबू साहब? वही तो मैं सोच रहा हूँ साले, मेरे तरफ इशारा क्यों कर रहा है बे? आही दुए जने इशारा कहाँ करे जाए? ओ, तो साले अपने तरफ इशारा कर बाबू साहब। चाचा काका मिल जाए तो डायरेक्ट गाड़ी दे लगी है कि भाग जाबे। इधर चुप साले, चुप। बता साले किसको गाली दे रहा है? हमका गाली दे ही हैं। तो साले अपने तरफ इशारा क्यों नहीं करता बे? आही दुए जने तोहरे कहती करी, अपने कहती करी। साले मेरे तरफ इशारा मत कर। हाँ। जो इशारा करना है साले तू अपने तरफ किया कर। यही कहेंगे बाबू साहब। हाँ। कि तुम मुंह दिखलाने के काबिल नहीं है। हाँ। तो मैं पूछूंगा किस लिए? हाँ। तो यही कहेंगे कि जिस मालिक के यहाँ तू नौकरी करता है वो तो कुतिया का दूध पीता है। अब हम नौकरी ना करा। कब है साले मैं कुतिया का दूध पीता हूँ? आपने कहा सापुन मर गया तो मेरी कुतिया का दूध कौन पिएगा? अरे साले तेरे कुतिया के दो बच्चे। हाँ। सापुन और आपुन। हाँ। सापुन मर गया। हाँ। आपुन जिंदा है। हाँ। तो अपना तो पिएगा बे। हम ना करम नौकरी। क्यों बे? बड़ा सारा बदतमीज। तो का बाबू साहब सीधा सीधा इसे कहा के रहा। हाँ। ते कि तेरे कुतिया के पास दो बच्चे। हाँ। एक बच्चा मर गया तो एक बच्चा दूध पिएगा। हाँ। बार बार कहता आपुन पिएगा आपुन पिएगा, हम तो कब पिए ही न दे। चल ठीक है बे। बाबू साहब वही बच्चा का हम कफन दफन करत रहे। हाँ। बड़े लेट हो गए बाबू साहब, बहुत बहुत प्यार दुलार से पाले रहे। ओ, बहुत नोखे के लड़किया रहा ना वो। नोखे के लड़किया रहा? हाँ। अबे साले अनोखे का कहा जाता है। बाबू साहब। बेटा। बाबू साहब एक काम कर बे। हाँ। तुझे लेट आने का सजा मिलेगा। हाँ। बस तेरे लिए केवल ही सजा है। हाँ। जितने हमारे दर्शक भाई काफी संख्या में जुटे हुए हैं। हाँ, हाँ, हाँ। और जितनी हमारी माताएं एवं बहने बैठी हुई है। हाँ। सबको पहले मेरा इंट्रोडक्शन दे दे बेटा। हाँ, हाँ। हमरा पता बता दे कि हम कौन है और हम कहाँ के रहने वाले हैं रे? बाबू साहब भूल गए ना? भूल गए ना? क्या बे? काफी दिन आपके हवेली पे काम करते हो गया। छोट के रहे इतना बड़े हो गए, कभो ले उबे नहीं बहन हमसे। अरे साले क्या नहीं लेवाया बे? नमवा। तो साले नाम का नाम क्यों रह लिया करता बे? तो आज कहे बरे हमसे लेवा बता भाई। अबे साले क्या लेवा रहा हो बे? नमवा ना। यानी तू मेरा नाम नहीं लेना चाहता? हम ले भाई न कर। चार साले नहीं तो हमारी हिम्मत ही न पड़ी। मैं समझ गया छोटू। हाँ। यानी बड़ों के सामने बड़ों का नाम लेना नहीं चाहते। हाँ। हो बड़ों का मान सम्मान करते हो। पूरा सम्मान दे तो का हम सम्मान सारे वहां तो है आधा कह देव। अबे साले मान सम्मान। मान सम्मान देता हूँ बाबू। मान सम्मान देते हो है तू खाड़ बिंद से बताए। अबे उखाड़ बिंद क्या है बे? अबे मुखार बिंद से। मुखार बिंद से बताएं। ठीक है छोटू। आपका नाम क्या है? आप कहाँ के निवासी हैं? चुप साले नहीं तो। अबे निवासी क्या है बे? निवासी। हाँ निवासी हैं। जाकर वहाँ उस कॉर्नर पे बैठ जा। आह देखा सारे के लाइटरिंग करे बैठाया है सरवा। बाथरूम में घुसा हुआ है। अबे है रहा चितकबरी सारी। अबे इस तरह से नहीं रे। जिस तरह से भगवान श्री रामचंद्र के सामने बजरंग बली आसन मार कर बैठते हैं उस तरह से बैठ जा बेटा। नहीं बाबू साहब हम बासन मात के तब आए हैं ना। अबे बासन नहीं साले आसन। आसन नहीं समझे हम। हा? आसन नहीं समझे। नहीं समझा। सम में बैठ जा बे। सम बैठ जा।
देखा सारे के ई सब में बैठाया है। अबे है रहा गंदी नाली के कीड़े साले। अबे इसी तरह मैंने कहा बैठने के लिए, अबे इस तरह से बैठ जिस तरह से भगवान श्री रामचंद्र के सामने बजरंग बली आसन मारकर बैठते हैं और उनके भक्ति में लीन हो जाते हैं, उस तरह से बैठ जा। सरवा एकदम बनरी हो गया है, क्या साला थोबड़ा बना रखा है। अबे खड़े हो जा, खड़े हो साले, तुम्हें बैठने का तजुर्बा नहीं है। हाँ हाँ बैठ जा। बैठ गया अबे, अच्छी बात है। हाँ तो साथियों, दूर दरार से आए संगीत कला के प्रेमी मेरे नौजवान साथी, पिता तुले बुजुर्ग, मेरी माताएं एवं बहने, साथ ही साथ मैं मेला मालिक को और मेला मालिक के सभी पदा अधिकारियों को मैं प्रणाम करता हूं और आशीर्वाद की कामना भी करता हूं। हाँ तो दोस्तों, अभी आप लोग मेरा संगीती परिचय लीजिए कि मैं कौन हूं और मैं कहां का रहने वाला हूं। हाँ तो दोस्तों, मैं जिला कौशाम्बी ग्राम सभा कल्याणपुर गांव का रहने वाला हूं। और मेरा नाम, माई नेम इज कालीचरण कसाई। साथियों, कालीचरण कसाई वो कसाई है ना कभी सर झुकाता है। बगावत है किया जिसने, वो सरवा मौत के घाट जाता है। उठे जिस पे नजर कालीचरण कसाई की, माना कि जैसे बादल गड़गड़ात बा। अरे हरा हर सरवा, तोरे खुनवा बदे राइफल की गोलियां तड़फड़ात बा। साथियों, मेरा नाम कालीचरण कसाई है। जब मैं जूनियर हाई स्कूल में पढ़ रहा था तो हमारी कुछ गलत लाइन पड़ गई दोस्तों, मैंने शराब पीना शुरू कर दिया और मैं जुआ खेलना शुरू कर दिया और मैं रंडी बाजी भी करना शुरू कर दिया। साथियों, यह एक दिन की बात है दोस्तों, मैं शराब के ठीके पर गया और मैं शराब जम कर पिया। और जब मैं नशे में हुआ तो अपने घर आया और मेरी पत्नी का नाम श्रीमती बिमला देवी था। साथियों, मैं अपनी पत्नी से पैसा मांगने लगा, लेकिन हरामखोर मेरी पत्नी होकर पैसा देने से इनकार कर दी दोस्तों। तब मुझे गुस्सा आ गया, मैंने कहा, हे बिमला, जो तेरे ये गले का मंगलसूत्र है ये मुझे दे दे। मैंने मांगता रहा लेकिन बिमला हराम जादे इनकार करती रही। दोस्तों, मुझे गुस्सा आ गया, हराम जादी का वही पर टिटुआ दबाया और वो सदा सदा के लिए भगवान वा को प्यारी हो गई। साथियों, एक मेरा बेटा है जिसका नाम सुनील कुमार है। सुनील कुमार उस समय खेत में काम करने कर रहा था और जब खेत से काम करके घर आया तो यहां अपनी मां की लाश को देखा। साथियों, जब अपनी मां की लाश को देखा सुनीलवा क्रोध में तमतमा उठा। तो सुनीलवा क्या किया, थाने पर फार्मेशिंग कर दिया, यानी थाने पर फोन कर दिया। थाने से तुरंत पुलिस आ गई। मैंने भागना चाहा लेकिन मैं भाग नहीं पाया, पुलिस ने मुझे गिरफ्तार कर लिया। दोस्तों, गिरफ्तार करने के बाद पुलिस मुझे जेल ले गई। जेल ले जाने के बाद मुझे 20 साल की सजा हो गई। जब मैं 20 साल की सजा काट कर अपने घर आ रहा हूं तो मैं यहां क्या देख रहा हूं, जो मेरा बेटा सुनीलवा है एक भिखारन लड़की से शादी कर लिया। साथियों, जब वो शादी कर लिया दहेज में एक पैसा नहीं मिला। साथियों, मेरी बहू का नाम है फूल कली। दोस्तों, बहू के कोख से एक लड़का पैदा हुआ है जिसका नाम
सुमन कुमार है, शुभम कुमार है। तब मैंने क्या किया छोटू? हाँ बाबू साहब। मैं भी अपनी दूसरी शादी कर लिया। आप भी बहुत बढ़िया किए। तब मैंने दूसरी शादी कर लिया। आओ, औरत का नाम क्या है जानता है? क्या नाम है? चमेला बाई। चमेला बाई। जी हाँ, मैं चमेले के कोठे पर हमेशा जाता था और मैं उसका हमेशा मुजरा भी सुनता था। मैंने शादी किया तो चमेला जब हवेली में आई तो साथ में ये एक लड़का लेकर आई है वे। और उस लड़के का नाम क्या है जानता है? क्या है भैया? सुमित कुमार है। सुमित कुमार। जी हाँ, मैंने अभी तक अपनी बहू फूलकली को देखा नहीं हो। मैं ये सोच रहा हूं कि चलकर बहू फूलकली को देखूं कि किस तरह से है, खूबसूरत है या नहीं है। चला जाए। हाँ, लेकिन ये बता बे, जो मेरा बेटा सुनीलवा है इस समय वो कहां पर है बे? खेत पर गए होंगे। और क्या? खेत पर काम करने गया है। दिन में काम करे, रात में 7-8 बजे आवत है। बेटा छोटा हो, अच्छा मौका है। हाँ। मौके का फायदा उठा लेना चाहिए। लेना चाहिए। चलो चलते हैं अपने बहु फूलकली के पास। हाँ। लेकिन कैसे? कैसे? समा पे हंस के मरने वाले को परवाना कहते हैं। कूद कर आए जो मैदा में उसे मर दाना कहते हैं। जहां खोले